वेलकम टू माई चैनल एंड मोस्ट वेलकम टू यू क्लास सिक्स टूडे वी रीड चैप्टर नंबर फोर पार्ट टू आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था हम जल्दी से जल्दी रिकॉल कर लेते हैं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और साथ ही साथ यह आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगा तेज ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें फ्यूचर में और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे आई थिंक आप सबने कर लिया होगा पर जो भी नए हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं चैप्टर जैसा कि डेमोक्रेसी है नाम से ही पता चल रहा है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है अब ये सरकार में क्या होता है जैसा कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया जाता है फिर उनको जिताया जाता है और वो आगे जाके वो सरकार का गठन करते हैं सरकार का निर्माण करते हैं और फिर हमारी समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं दैट्स वाई उनको हमने हमारा रिप्रेजेंटेटिव कह दिया अब रिप्रेजेंटेटिव भी अलग अलग तरीके के होते हैं देखिए, रिप्रेजेंटेटिव यानी जो हमारी बात को आगे जाके हमारी प्रॉब्लम को आगे जाके सॉल्व करे, यानी जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 प्लस अबाव यानी 18 और 18 से ज़्यादा आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं अगर हम बात करें कि हमने हमारे कैंडिडेट को बहुत वाइजली बहुत सोच समझ के उसे चूज किया है और वो वेलफेयर के काम करेगा आगे जाके वो हमारी समस्याओं का निदान करेगा तब तो गवर्नमेंट बनाने में बहुत मज़े वाली बात है लेकिन कभी कभी क्या होता है हम ऐसा व्यक्ति भी चुन लेते हैं जो कि हमारे लिए काम नहीं कर पाता तो हर पाँच साल में ये हमारे लिए एक सुविधा है कि हर पाँच साल में चुनाव होते हैं और हम उस कैंडिडेट को हटा सकते हैं ठीक है अब बात आती है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से काम करती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, हम कैसे वोट करते हैं इसी के बारे में अगर हम आपको आगे बताएं तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है वो कैसे बनती है जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है यानी जिसके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा चुने जाते हैं वो गवर्नमेंट को बना लेते हैं और उसकी जो नहीं गवर्नमेंट बनती है वो कहलाते हैं अपोजिशन पार्टी माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो होती है अब क्या होता है मेजोरिटी जो होते हैं यानी जिसको की सीट ज़्यादा मिली है तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं और अपोजिशन पार्टी जो होती है वो क्या करती है वो समय समय में मैजोरिटी जो पार्टी होती है उसे उसका काम याद दिलाती रहती है आज हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है उसका फॉर्मूलेशन कैसा, कैसा होता है पब्लिक ओपिनियन कैसा होता है सो देयर आर मैनी एजेंसीज दैट हेल्प पीपल इन फॉर्मिंग देर ओपिनियन ऑन एन इशू ऑफ द प्रॉब्लम यानी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि लोगों के इश्यूज़ और प्रॉब्लम होती हैं उनको ओपिन उनके जागरूक करती है उनको फॉर्मेशन करती है देर ओपिनियन न्यूज़पेपर एंड स अमंग पता है मामा पापा सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं ना और वो उसे अच्छे से रीड करते हैं वो क्यों रीड करते हैं ताकि वो हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में मालूम कर सके अगर हमें हमारी बात किसी तक पहुँचानी है तो थ्रो द न्यूज पेपर हम हमारी बात पहुँचा सकते हैं ठीक उसी तरीके से अगर हमें हमारे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को कुछ बताना चाहते हैं हम तो हम क्या करते हैं उसको अपोज़ करते हैं और फिर वो न्यूज़पेपर्स में आता है और गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है सो दीज व्यूज़ हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मेटिंग पॉलिसीज़ ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू यानी गवर्नमेंट को जो इश्यूज़ होते हैं लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाता है एंड रेडियो एंड टेलीविज़न एंड सिनेमा रेडियो टेलीविज़न एंड सिनेमा न्यूज़पेपर इन्फ्लुंस दीपल बट द रेडियो इज हर्ड इवन बाई द इलिटरेट इवन एवरी ऑफ द कंट्री आपको ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग uh, लगेगा कि देखिए टीवी होता है ना उसमें हमें देखने के साथ साथ सुनाई भी देता है लेकिन जो रेडियो होता है ना वो सिर्फ सुनने के काम आता है और सिनेमा है वो तो हमें एंटरटेन करता ही है लेकिन जरूरी नहीं है ना कि न्यूज़पेपर मामा पापा जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दादा दादी को भी पढ़ना आता हो तो वो कैसे उन्हें कैसे पता चलेगा भाई उनको तो नहीं पढ़ना आ रहा है या उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो अब उनको कैसे पता चलेगा उनको पता चलेगा हेड इन द रेडियो यानी रेडियो में उनको न्यूज सुनाई देगी टेलीविजन आर द नाउ द बिकम एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेट यानी टीवी क्या है आज के टाइम में लेटेस्ट न्यूज आ जाती है और अब तो कंप्यूटर का जमाना है अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है चंद सेकंड्स में अमेरिका में क्या हो रहा है ब्रिटेन में क्या हो रहा है कनाडा में क्या हो रहा है हमें सब पता चल जाता है थ्रू द न्यूज़ थ्रू द सेटेलाइट सो द स्पोकन न्यूज़ हैज़ अ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल और जैसे हम न्यूज सुनते हैं स्पोकन न्यूज सुनते हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है लोगों पर प्लेस गो टू अलॉन्ग विध फॉर्मेटिक पीपल ओपिनियन मैनी फिल्म कैरी सोशल इकोनॉमिक एंड इवन पॉलिसी पोलिटिकल मैसेज देखा है आपने बहुत सारे पिक्चरें और सिनेमा ऐसे बनाए जाते हैं जो कि लोगों को अवेयर भी करते हैं सोशली अवेयर करते हैं इकोनॉमिकल अवेयर करते हैं एंड हाइलाइट्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द जर्नल पीपल यानी जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके वो कौन से समस्याओं को समाधान कौन से समस्याओं को फेस कर रहा है ये सब हमें किससे पता चलता है ये सब हमें पता चलता है न्यूज़ से तो कुछ फिल्मों में भी इनको दिखाया जाता है फॉर द स्के दिखाया जाता है ना सड़कें टूटी हुई हैं पानी कम है पानी है ही नहीं तो कुछ कुछ सोशल फिल्म्स बनाई जाती हैं जिससे कि गवर्नमेंट को अवेयर करना पड़ता है एंड रिलीजन ऑल रिलीजन टीचर्स यूनिवर्सल बॉदरहुड नॉन एडवोकेट हार्टड और वॉल्स आप सबको पता है कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कि हमें लड़ाई झगड़ा सिखाए या हमें आपस में एक दूसरे से नफरत सिखाए हर एक धर्म हमें भाईचारे की शिक्षा देता है और साथ में रहने की शिक्षा देता है स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो द बुक्स दैट वी रीड इन्फ्लुएंस अ माइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट जो हम किताबें पढ़ रहे हैं जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं ये हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है स्कूल है कॉलेज है इसमें प्रिपेयर करे जाते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट बहुत अच्छे नागरिक जो कि देश को आगे लेके जाए देश को जागरूक करें और लोगों को जागरूक करने का तरीका ये बहुत अच्छा है लोगों में जागरूकता आती है प्रभुधा आती है सो द पॉलिटिकल पार्टीज एंटायर पॉलिटिकल प्रोसेस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिवॉल्व अराउंड द पब्लिक आपने देखा बहुत सारे पॉलिटिकल जो ऑफिस होते हैं हमारे जो राजनीतिक है तंत्र है वो उन्हीं ऑफिस के इर्द गिर्द घूमता रहता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑल पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर दर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आपने देखा चुनावी समय में क्या होता है बहुत सारी ऑफिस के बाद भीड़ होती है बहुत सारे नेता इकट्ठे होते हैं वो अपनी अपनी पार्टीज को डिक्लेयर करते हैं अपनी अपनी पॉलिसीज बताते हैं अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं एंड पार्टीज हेल्प पीपल टू थिंक ओवर द नेशनल लोकल इश्यूज थ्रॉट मीटिंग एंड मैनिफेस्टो आपको पता है वो अपनी अपनी मीटिंग्स भी लेते हैं है ना अपने अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हमें कौन से एरिए में किस चीज़ की कमी है वो बताइए फिर वो बताते हैं वो अपनी लिस्ट में इंक्लूड करते हैं और फिर वो घर घर जाके बताते हैं कि हम आपको अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे एंड एसोसिएशन <coughs>

बहुत सारे वॉल्ट्री एसोसिएशन्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं कल्चरल रिलीजियस और इकोनॉमिक एसोसिएशन जो इसमें शामिल होते हैं सो द एसोसिएशन थ्रो स्ट्रीट प्लेज एंड द प्रकोशंस एंड रैलीज मीटिंग्स प्रोटेस्ट मार्च कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों को जागरूक करने का एक बहुत अच्छा और सस्ता साधन है जिसमें क्या होता है जिसमें कि कल्चर है रिलीजियस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके द्वारा लोगों को एडुकेट किया जाता है देखा आपने छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक होते हैं है ना रिलीज निकाली जाती हैं मीटिंग्स करी जाती हैं प्रोटेस्ट और मार्च जो आंदोलन जो होते हैं उनकी यात्राएं निकाली जाती हैं मार्च निकाला जाता है जिससे कि सरकार को उनके बारे में उनकी मांगों के बारे में पता चलता है अब रीसॉल्विंग कॉन्फ्लिट्स जो होते हैं उनके जो मतभेद होते हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है कई बार क्या होता है अलग अलग स्टेट्स में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इन केस ऑफ रिज़न, रेस रिलीजन समटाइम्स डिवाइड पीपल इनटू ग्रुप्स और इन ग्रुप्स में नफ़रत फैल जाती है लोगों को आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या होती है तो ये जो कॉन्फ्लिट्स हमारी सोसाइटी में होता है ना इनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सो यू मस्ट नो अबाउट दीज ऑल्सो सो यू ऑलरेडी नो डैट द इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ़ डाइवर्सिटी आप सबको पता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी विभिन्नताएँ हैं यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं एंड डिफरेंस इन द रीज़न रेस रिलीजन समटाइम्स डिवाइड पीपल इन टू ग्रुप्स और इतने सारे डिफरेंसेस होने की वजह से कभी कभी लोग अलग अलग ग्रुप्स में भी बट जाते हैं एंड द डिस्टर्ब्स द हाउ मनी ऑफ द कंट्री और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है देश को कि आगे आके ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अगर बड़े हो जाते हैं तो ये हमारे देश में नुकसान भी कर सकते हैं अब ये किस तरीके से है रिवर वाटर एंड डैम्स ठीक है नदी है पानी है बांध है ये किस तरीके से लड़ाई झगड़ा है वो आपको इस टॉपिक में हम है? बताते हैं वाटर कॉन्फ्रेंस इन इंडिया है एवरी लेवल ऑफ डिवाइड एवरी सेगमेंट ऑफ द आर सोसाइटी पानी जो है वो हमारी बेसिक नीड है क्यों क्योंकि वाटर इज वेरी इनिशियल फॉर द लाइफ विदाउट वाटर वी कान सर्वाइव है ना फॉर द वॉशिंग फॉर द ड्रिंकिंग फॉर द क्लीनिंग वी यूज वाटर इन आर डेली लाइफ बट इन पोलिटिकल पार्टीज स्टेट रीजन सब रीजन हमारे हैं उनमें भी पानी की अलग अलग लड़ाई है वो किस तरीके से इन कंट्रीज विदेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पावर कॉन्फ्रेंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूस वॉटर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द इयर एज अंस्टेंट सोर्स ऑफ पेंशन देखिए पानी का अलग अलग समय में अलग अलग महत्ता होती है आप सबको पता है एग्रीकल्चर लैंड है हमारे इंडिया इन इंडिया द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला यानी कावेरी जो नदी है उसके पानी को लेकर तमिलनाडु कर्नाटका और केरला में हमेशा ही डिस्प्यूट रहता है हमेशा ही मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़ा रहता है सो द कृष्णा रिवर्स वाटर इशू इन वॉल्व द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना और इसके साथ जो है वो कृष्णा नदी जो है कावेरी के साथ जो कृष्णा नदी है उसमें भी कुछ इशूज़ चलते हैं और उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है? उसमें हैं उसमें है महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब ये इश्यूज क्या है As these issues has resulted in the tension बिटवीन दीज states, इन स्टेट्स के बीच में एक टेंशन वाला काम होता है वो कैसे द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रावी एंड ब्यास वॉटर्स बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा जैसे कि रावी नदी का जो पानी है वो क्या है राजस्थान हरियाणा और पंजाब में लड़ाई झगड़ा रहता है विथ राजस्थान एज एडिशनल पार्टी और इसके साथ अगर राजस्थान भी जुड़ जाए तो इस पानी को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा होता है वाटर कॉन्फ्रेंस राइज ड्यूटी और ड्यूटी द स्केसिटी ऑफ वाटर पानी की कमी की वजह से ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है बाय द फर्टिल वाटर मैनेजमेंट पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इंडिया फ्लोज और इंडिया की जो रिवर हैं ये देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कॉजिस्टेंशन ये वाटर ठीक है आपको पता है जो हमारी नदियां हैं वो हर स्टेट से निकलती हुई निकलती हैं वाटर तो किसकी वजह से द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ मैनी इंटरकास्ट रिवर्स और रिवर वैलीज यानी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है उसका यूज अलग अलग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है और हर एक राज्य से निकलती है वो सबसे बड़ा एक कारण भी है सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द यूज डिट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से इन द वॉटर रेट पानी के अलग अलग लेवल होता है उस वॉटर रेट के हिसाब से एग्रीमेंट होना चाहिए तभी ये एक सुलझा हुआ मामला हो सकता है अब माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ऑल दिटीजन इन द डेमोक्रेसी हैव द फ्रीडम टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर हमारा देश जो भारत है इसमें हर एक इंसान को अपना फ्रीडम अपना कल्चरल फ्रीडम प्रोवाइड है सो नो वन कैन बी प्रस्यूट टू बेसिक ऑफ़ रिलीजन कास्ट रिलीजन रेस लैंग्वेज और कोई भी उसके साथ में उसकी जाति उसके धर्म के हिसाब से उसके लैंग्वेज के लिए उसके साथ मतभेद नहीं कर सकता है ठीक है बट ऑल द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वैदर रिलीजियस अ लैंग्विस्टिक और अदरवाइज हैव इक्वल राइट ऑफ द दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ टू प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी हर एक धरती हर एक धर्म को इक्वल राइट right है अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअली हमें हमारे जो धर्म है उनको रखना चाहिए सो द डेमोक्रेसी कैन सक्सीड ओनली इफ द पीपल हैव फेथ इन दिस सिस्टम और हर एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो इंसान फेथ रखे गवर्नमेंट पे इफ़ वी हैव एनी डिसएग्रीमेंट यू शुड एक्सप्रेस द इन अ पीसफुल मैनर अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे को तकलीफ है तो आप अपने व्यूज़ को पीसफुली मैनर से बता सकते हैं

टू फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट और हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हमारा जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है वो एक अच्छे तरीके से तभी चल सकता है एक बेस्ट फंक्शन तभी हो सकता है जब हम सब मिल कर अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो हमारा ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म चैप्टर था बहुत इंटरेस्टिंग आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई Channel suman classes. Thank you.